सभी को जय मसीह की। जैसे कि आप सभी को पता है आज गुड फ्राइडे है, इस दिन हमारे प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे लिए लटक गया, हमारे साथ निकाले गए। लूका रति सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 34 वचन पढ़ेंगे। तो यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चीटियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह को 3 किलो पर लटकाया गया। उससे पहले यीशु मसीह को बहुत मारा गया। कांटों का ताज यीशु मसीह के सिर पर पहनाया गया, उसके ऊपर थूका गया, उसको अपमानित किया गया। यीशु मसीह ने कुछ गलत काम किया था? नहीं, यीशु मसीह ने कुछ गलत काम नहीं किया था। यीशु मसीह ने तो सिर्फ भलाई काम किया था। यीशु ने तो बस बीमारियों को चंगा किया था, दुष्टात्माओं को निकाला था, पीड़ित लोग को चंगा किया था, अंधों को आंखें दिया था। ये सब के बदले यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया। उस समय यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, दर्द सह रहे थे, वही लोग जो यीशु मसीह को मारा था, वही लोग जो यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाए थे, जिसके कारण यीशु के सिर से खून निकला था। सब लोग को देखकर यीशु मसीह कहते हैं, अभी हमने वही वचन जो पढ़ा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह चाहते तो कह सकते थे, इसका दंड तुम्हें मिलेगा, तुम मरक जाओगे, इसका दंड तुम्हारे बेटे बेटी पर पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो इतना दयालु थे कि उन्हें इतना कष्ट सहने के बाद भी उन्होंने माफ कर दिया। यीशु मसीह यहाँ पे भाव प्रकट करते हैं कि हमें अपने दुश्मन से प्यार करना चाहिए, उन्हें माफ कर देना चाहिए, हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए, हमें बुराई के बदले अच्छाई काम को करना चाहिए। हम लोग को स्वर्ग राज में प्रवेश करना है और अनंत जीवन को पाना है, जो यीशु मसीह ने हम सभी को दिया है। हम बुराई के बदले बुराई ना करें, हम बुराई के बदले अच्छाई को करें, और हम सभी लोग को माफ करें। प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की, डाकू ने मन फिराया और स्वर्ग राज का वारिस हो गया। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें माफ करने के वाले बनना है। जिन लोगों ने यीशु मसीह को तकलीफ दी, जिन लोगों ने यीशु मसीह को कोड़े मारे, कांटों का ताज सिर पर पहनाया, उन्हीं ने यीशु मसीह माफ किए। इसलिए हमें सबको माफ करना है। यह वचन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सभी लोगों को माफ करना है और बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, बल्कि अच्छाई को करना है। धन्यवाद। परमेश्वर, आखिरी वक्त में भी हम लोग को यही सिखा के गया है, हम दूसरों को कैसे क्षमा करना है। पहले परमेश्वर प्रचार के रूप में हम लोग को बताया, बहुत कुछ बातों को सिखाया, जो आपको आशीष करता है उनको, और जो श्राप करता है उनको श्राप नहीं करना है, उसको आशीष करना है करके बस वो नहीं बताया। आखिरी वक्त में अपना जीवन से वो दिखा के गया। कई बार हम लोग को बोलना आसान है, करना बहुत कठिन हो जाता है, परंतु यीशु मसीह आखिरी वक्त में, जैसे आशीष ने कहा, आखिरी वक्त में जितनों ने उनको इतना मारा, पूरा पूरा उनके लिए बुराई किया, उन लोग को माफ करने का मन को यीशु मसीह हम लोग को बता के गया। आइए हम लोग आंखों को बंद करके उसको स्मरण करते हुए, क्या हमारा हालत आज कैसे है, हमारा दिल कैसे है, क्या अभी भी हमारा अंदर कुछ खड़वापन है, कुछ बातों को हम नहीं क्षमा किए हैं, कुछ लोगों को नहीं क्षमा किए हैं, तो हम परमेश्वर से मांगेंगे। आइए कुछ समय हम लोग इस वचन के आधार पर, परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, उन लोग नहीं जानते हैं वो क्या किया था। वैसे यीशु मसीह का चेला स्तिफनुस ने किया,